24 फरवरी 2018 से औरंगाबाद में शुरू होने वाला इज्तिमा देश का ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। आपको बता दें, ये इज्तिमा 24, 25, 26 को औरंगाबाद के लिंबी जलगांव में आलमी इज्तिमा होगा। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब इतनी बड़ी तादाद में लोग एक ही इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। मालेगांव में 2007 के इज्तिमा में 35 लाख स्क्वायर फुट का पंडाल लगा था। मुंबई के 1997 में होने वाले इज्तिमा में 47 लाख स्क्वायर फुट का पंडाल लगा था और अब औरंगाबाद के इस इज्तिमा में 78 लाख स्क्वायर फुट का पंडाल लगा है, जिसे बढ़ाकर 85 लाख स्क्वायर फुट बनाने का टारगेट लगाया गया है। आपको बता दें, यहाँ लगभग 1 करोड़ लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी। नमाज की सफ की लंबाई 3 किलोमीटर होगी, जो कि 5 किलोमीटर तक बिछाई गई है। इस इज्तिमा की तैयारियों में रोजाना 8 लाख रुपए का डीजल खर्च होता है। विश्व के सबसे बड़े इज्तिमा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दूर दूर की जमातों समेत विदेशों की जमातें भी इज्तिमा की तैयारियों में जुटी हुई हैं। करोड़ों लोगों के आने की उम्मीद लगाई गई है, जिसके लिए कई किलोमीटर लंबा पंडाल सज चुका है। तबलीग जमात, जिसे इस्लामी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है, इस संगठन के 25 लाख कार्यकर्ता 24 घंटे अल्लाह की राह में अपना बिस्तर उठाए एक बस्ती से दूसरी बस्ती घूमते रहते हैं और एक ईश्वर की दावत के साथ साथ इस्लाम के सिद्धांतों से अनजान और बेखबर लोगों को इस्लाम की सही शिक्षा का नमूना पेश करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में तबलीग जमात को फॉलो करने वालों की संख्या 50 करोड़ से भी ज़्यादा है। 3 दिन तक चलने वाला ये इज्तिमा 26 फरवरी को दुआ के साथ समाप्त होगा।